मैं राधिका आलमटू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब जीरा अच्छे से भुन गया है, इसमें हम डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पका लेंगे। अब सभी खड़े मसाले अच्छे से पक गए हैं, इसमें हम डाल देंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिसे मैंने रफली इस तरह से लंबा लंबा कट लिया है, तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है। 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है। अभी ने हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाएंगे। प्याज में भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर, इसे भी मैंने रफली कट कर लिया है, और टमाटर को भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब ये अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं तो इसे हम मिक्सर जार के अंदर डालकर पीस लेंगे। मैंने इसे मिक्सर के जार में निकाल लिया है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये इजीली से पीस जाए। और अब हम इसे पीस कर एक पेस्ट तैयार करेंगे। मैंने इसे पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें इसका फाइन पेस्ट तैयार करना है। अब हम सेम पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च जिसे मैंने रफली बीच में से कट कर लिया है। थोड़ी देर के लिए चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस तरह से जब हम हरी मिर्ची को कट करके डालते हैं। मिर्ची भी अच्छे से पक गई है। फिर मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, प्याज को भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1 शिमला मिर्च, इसे भी मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने इन्हें 1 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया है, ये हल्के से पक गए हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है, और इसे भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें डाल देंगे प्याज लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने पीस के रखा है। अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। 1.5 चम्मच में डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर। जीरा पाउडर से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। यदि आपके पास जीरा पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर जीरे को भून लीजिए और उसको दरदरा पीस लीजिए, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। सभी मसालों को हम अच्छे से मिला देंगे और 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पकाएंगे इस तरह से, ताकि जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। मैंने इसे 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए पका लिया है, तो मसाले भी अच्छे से पक गए हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पानी, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है। एकदम ज़्यादा पानी डालने से सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर पनीर लिया है, यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। ग्रेट करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे आप जल्दी जल्दी ग्रेट ना करें, थोड़ा धीरे धीरे ग्रेट करें, जिससे कि क्या होगा जो पनीर के लच्छे रहेंगे वो लंबे लंबे निकलेंगे, उससे बहुत ही बढ़िया लगेगी हमारी ये पनीर की सब्जी। अब अच्छे से हम पनीर को पूरे मसाले के अंदर मिलाएंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। साथ ही में डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हैं। अब हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सारे मसालों का फ्लेवर पनीर के अंदर चला जाए। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को हम हटा देंगे। वाओ, देखिए कितनी बढ़िया पनीर की ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए कितनी टेस्टी और यम्मी पनीर की ये सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पूड़ी के साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे घर में तो इसे सभी लोग खाना पसंद करते हैं, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करिए। यकीन मानिए आपके घर वाले भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।